पेपर है, अब हिंदी मीडियम एलिमेंट सब सेम है, बस क्वेश्चन मैंने अलग अलग जगह लगा लगाए हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपके, इसमें है आपके 1/√2, ये बताना है कि संख्या आपके क्या नाम है डिनोमिनेटर, इस संख्या को रैशनलाइज करना, या तो संख्या रैशनलाइज करना कैसे करेंगे, इसी संख्या को आपको न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा √2, और यहाँ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा आप ये हिंदू सीधे उत्तर √2/2, सिंपली छोटा क्वेश्चन रहता है एक नंबर, और बड़ा आ जाए दो नंबर का तो ऐसा आ जाएगा आपके ये 1/ ये दे रखा है 2+√3। अब ये प्लस का है तो हम क्या करेंगे इस तरफ वापस गुणा करेंगे, कैसे गुणा करेंगे, प्लस का इसमें ले लेंगे हम माइनस में ले लेंगे, ऐसे ऊपर गुणा करेंगे तो यही रहेगा आपके 2-√3, और यहाँ वो नियम लग जाएगा एक बार प्लस का और एक बार क्या हो जाएगा आपके माइनस का, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट का होल स्क्वायर सेकंड का भी होल स्क्वायर इन क्या आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 2-√3/2 का हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 3, स्क्वायर हट गया तो रूट भी हट जाएगा या माइनस वन रहेगा, ये आ जाएगा 2-√3, ऐसे घटाएंगे तो एक आएगा, और एक का डिवाइड करो एक चाहे लिखो चाहे लिखो वो फर्क पड़ने वाला नहीं, केवल हमें जो डिवाइड में दे रखा है ये वाला रूट हटाना है, यहाँ से नीचे से रूट हटाना, ऊपर तो आ सकता है लेकिन डिवाइड में वो हटाना है। फिर है आपके सेकंड, इसमें है x³+4x² + 3x - 3, इसने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब कोएफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर के पास वाली संख्या जिसका कोएफिशिएंट पूछे उसके पास वाली क्या आ जाएगा आपके 4, अगर पूछ ले एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब क्या क्या होगा 1, माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस है प्लस 1, एक्स का 3 और कॉन्स्टेंट पूछे तो कॉन्स्टेंट -3, ये कॉन्स्टेंट है, ये है आपके कॉन्स्टेंट, तो देख लो और सही कॉन्स्टेंट है। फिर आगे दे रखा है आपके हमें फाइंड करना है 64 की पावर 1/2, पहले इसको हल करेंगे, ये आएगा 2 की पावर 6 आ जाएगी, ये इसका वैल्यू है 64 का वैल्यू ये है, इसके ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो पावर 2 का पावर क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 6 × 1/2 ये काट देंगे जाएगा 3 times 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा आपके 8। फिर है फोर्थ, ये दे रखा 32 की पावर 2/5, दोनों प्लस के दिए मैं, अब यहाँ क्या आ जाएगा 32 का क्या होता है 2 की पावर 5 होता है, इंटू हो जाएगा आपके 2/5, पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा दोनों का, यहाँ ये संख्या है 32 और ये भी क्या होती है 32 ही होती है, इसे हल करेंगे ना फैक्टराइज करेंगे ऐसे आएगा, फिर हो जाएगा आपके 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 = कितना हो गया 4, 2 की 4 हो जाएगा। अगला दे रखा है हमें ज्ञात करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, L × H, L × B × H, अगर वही अगर आप क्यूब को पूछे तो A³ सर को से पूछ लीजिए, कुछ भी एक फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, कोई भी एक फॉर्मूला क्यूब या क्यूबॉइड दोनों में से कोई एक फॉर्मूला पूछ सकते हैं आप। फिर है आपके पास 3 एंगल दे रखे हैं, पता है याद करना, मतलब एक क्वाड्रिलेटर है, एक क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल दे रखे हैं 70 डिग्री 110 डिग्री 50 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके एक्स, चौथा है याद करना है सम ऑफ ऑल एंगल बताओ कितना होता है 360। हम क्या करेंगे इन तीनों को ऐड करके उधर भेज दो, एक्स का वैल्यू हो जाएगा आपके ट्रांसफर करते हैं उधर, ये होता है आपके 110 + 70 = 180 + 50 = 220 = 230 230 प्लस का उधर भेज दो हो जाएगा आपके माइनस का, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके 130।
अगला दे रखा है आपके, हमें बताना है ओरिजिन, बताना ओरिजिन, बताओ ओरिजिन कितना होता है? ओरिजिन जीरो, जीरो नहीं होता, क्या होता है? जीरो जीरो, एक्स का वैल्यू लिखना है, वाई का लिखना है, एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो, केवल जीरो नहीं, दो जीरो लिखने आ, ये है ओरिजिन। ओरिजिन के ये दे रखे हैं आपके, क्या नाम है, कोऑर्डिनेट। अब आपको लिखनी डेफिनेशन, डेफिनेशन आती है, एक डेफिनेशन आएगी फिक्स आपको, कौन सी आएगी वो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले उससे पूछा पहल लाइन, कौन सा थी पहल लाइन? टू लाइन जिनके बीच का गैप हमेशा क्या होता है आपके, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, और वो लाइन आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं करती, ये तो हो जाएगी आपके पैरेलल लाइन। फिर है आपके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या आता है आपके, एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। जैसे मान लो ये है ए बी और ये दे रखी है सी डी, तो क्या लिखेंगे हम, सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर। तीसरा है अपना लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट 180 डिग्री कह सकते, सीधी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन यही की बात है। अब है आपके पॉइंट्स दे रहे हैं कुछ आपके, माइनस का 2 और 4, 3 और -1, -1 और 0, 1 और 2, -3 और -5, और आ जाए आपके 7, 0 और 9, ऐसा ही तो मैं लिखा है। तो अब देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या आता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या आएंगे, दोनों ही प्लस के, इसमें आएंगे दोनों ही माइनस के, यहाँ क्या आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, ये पहले लाइन इसका मानना है, ये यहाँ प्लस के होते हैं तो यहाँ इधर कौन से होते हैं माइनस के, तो क्या आएगा माइनस प्लस, यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस, क्योंकि पहले वैल्यू इसका लिखना है फिर वैल्यू इसका लिखना है। अब बताओ ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा, यहाँ लिख देंगे सामने सेकंड, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, ये कहाँ आएगा, सेकंड, ये x एक्सिस, इस लाइन पर आएगा, क्योंकि इसमें x वैल्यू दे रखा है, भाई का वैल्यू यही रखा है, जीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का, जीरो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगी, यही रह जाएगा, ये वाला पॉइंट यह आएगा माइनस वन जीरो। तो किस पर आया, ये एक्स अक्ष पर है, लिखेंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये वाला दोनों प्लस के, फर्स्ट फर्स्ट में, दोनों माइनस के, और ये जीरो और नाइन, यहाँ आएगा आपके नाइन, जो भी आएगा इस लाइन पर आएगा, तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये हो जाएगा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है आपके 2x + y = 4, इसमें कहा है कि इफ x का वैल्यू आपके अगर 2 हो, 1 हो या माइनस का 4 हो, तो बताओ कि y का वैल्यू क्या हो, हम क्या करेंगे, देखो 2x + y = 4 है ही, तो प्लस का है, इसको जब ट्रांसफर कर दो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - 2x, y = 4 - 2x। अब x लिखो, इसलिए कोष्टक बना दो, 4 - 2 कोष्टक, y = 4 - 2 कोष्टक। अब जहां हमने जगह रखी है वहां क्या रखा आपको, x है, जहां जहां x है वहां x वैल्यू, वो x वैल्यू तीन की वैल्यू, x की वैल्यू कितना, 2, 1 और -4, ये तो 4 का 4 - 2 = 4 = 0, ये 4 2 = 2 = हो जाएगा 2, 4 - - प्लस ये हो जाएगा 4 2 = 8, ये हो जाएगा आपकी 12। तो जब भी आपकी इसका वैल्यू 2 तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1 इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू -4 हुआ तो वो 12 होगा, आ गया समझ में। अब अगला आपके दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें ट्राइंगल का एरिया क्या करना है, फाइंड करना है, ये है ए, ये है बी और ये दे रखा है आपके सी। इसमें देखो आपके दो साइड तो दे रखी है, 18 है और एक 10, और साथ में क्या दे रखा है आपके पैरामीटर दे रखा है,
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बताओ, पैरामीटर कितना है ट्राइंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स 42। ये दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या है याद करने का? सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। अब ए तो हमारे पास दिया हुआ नहीं, तो माने ए तो ये लिखो, बी कितना दिया हुआ है आपके 10 और सी कितना दिया हुआ है 18 इक्वल टू 42। ये दोनों प्लस के हैं, उधर वैल्यूज में आ जाएगा माइनस में, ए का वैल्यू हो जाएगा 42 माइनस का 28 कितना हो जाएगा 14। ये तो ए का वैल्यू फाइंड हुआ, अब हमें क्या याद करना है? इसका एरिया भी फाइंड करना है। एरिया के सबसे पहले क्या याद करते हैं? एस याद करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तीनों का पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है 42, 42 का हाफ कितना हो जाएगा 21। अब हम एरिया याद करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस cos tak s minus a s minus b और s minus c। s कितना है 21 minus, अब a का वैल्यू कितना दे रखा है आपके 14, 21 minus 10, 21 minus 18 तीन हो जाते 18 10 और 14 तीन, यह आएगा 21 माइनस 14 कितना बचा बच्चे 7, यहाँ पर 11 और यहाँ कितना बचा है आपके 3 बचा पीछे 21 के टुकड़े कर दो 7 into 3 into 7 ये 3 यहाँ लिख दो into 11 कैसे कह रहे हो वो बार आगे सेम से इधर जाएगी बार ये 11 भी रह जाएगा 21 रूट क्या आ जाएगा आपके 11। हिंदी मीडियम यही पेपर है, बस संख्या थोड़ा जगह मैंने चेंज कर दी बार बार बनाया। अब आपके एंगल बनाना है, देखो एंगल दो तरह के पूछ सकते हैं, एक तो पूछेंगे आज से बनाओ प्रकाश चांद जो भी बनाना, जैसे मान लो सांप का पूछ लिया तो ये प्रकाश से बनाया यहाँ रखो चाप और ऐसे सांप का कौन बना लो इतनी हो गया, एक ऐसा आ जाएगा प्रकार की सहायता से ही बनाना है, यानी होता क्या नाम जो भी है, तो अगर आप 70 डिग्री बनाओ वो किससे बनाओ प्रकार से ऐसे कुछ बनाओ स्केल से बनाओ तो क्या करेंगे हम, देखो पहले सर्कल बनाएंगे कितना बनाएंगे सर्कल 6 सेंटीमीटर कितना बनाएंगे 6 सेंटीमीटर फिर इस प्रकार को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ क्या करेंगे 6 का काट लिया फिर यहाँ से और 6 का चाप काट लिया, ये होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर ये भी होनी चाहिए आपके 6 सेंटीमीटर फिर यहाँ से यहाँ तक जो स्केल में पॉइंट होते ना 1 2 3 4 पर, तो 1 पर पहला पॉइंट 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 5 और 6 ये 6 नहीं आएगा सीधे, फिर 7 8 9 10 11 और ये क्या आ जाएगा आपके 12। अब देखो अगर आप पूछे 70 की बताओ, देखो ध्यान 70 का आएगा आपके 70 यहाँ आता है, देखो 70 यहाँ आता है 60 हो गया 6 70 यहाँ आता है तो इसको ऐसे मिला ये हो जाएगा 70 डिग्री। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ 130 डिग्री कितना होगा, यहाँ एक और चाप काट लेंगे फिर ये कितना हो जाएगा आपके 12 13 14 15 16 17 और ये क्या हो गया आपके 18। अब आपसे पूछ ले 140 कितना है, तो 140 आपकी यहाँ आता है, इन दोनों का मिलाएंगे ये हो जाएगा आपके यहाँ से यहाँ तक 140। तो एक तो आपको जो जिसमें 15 का डिवाइड जाता है वो तो बनाए प्रकार से, जो 15 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो फिर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा प्रकार की सहायता से जो भी। अब है आपके जैसे फाइंड द एरिया, हमें क्या करना है एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या है √3/4a² √3 का √3 4 तो ये कितना है, ये दे रखा है आपके 10 दिया जाएगा आपके 10 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा आपकी 100 कार दो कितना होता है आपके 25 और ये कितना हो जाएगा 25√3 हो जाएगा। तो अगला दे रखा है आपके इधर से क्या, बाकी वाले बड़े बड़े क्वेश्चन बाद में करते हैं, छोटे क्वेश्चन देखो सारे क्या लाते हैं, एक नंबर क्वेश्चन पहले वो दे इसने देखा है इफ द पॉइंट 30 एक पॉइंट दे रखा है आपके 3 और 4 दे रखा है, 3 4 मतलब क्या होता है, तो आगे लिखा हुआ है वो वैल्यू एक्स का है, पीछे लिखा हुआ वैल्यू वाई का है,
इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू क्या है आपके 4 है। इसने कहा है कि हमें 3y = ax + 7 में हमें a का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना। क्या करें देखो, 3 का 3, y का वैल्यू पीछे लिखा हुआ, y का वैल्यू 4, a का a, और x का वैल्यू कितना है आगे लिखा हुआ है 3 + 7। ये हो जाएगा आपके 4 = 12 मल्टीप्लाई करेंगे 3a + 7 उसका जो डेट हो जाएगा माइनस में 3a = 12 - 7 = 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड में a = 5/3। अब ये देखो आप इसको इधर लाकर ले, इसको इधर लाना है तो इसका साइनोलॉजी क्या देगा, चेंज हो जाएगा पूरा, इधर लेके आओ फिर तो ये तो एक ही बात है आपकी, ये वाली संख्या इसके पास आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये आंसर क्या जाएगा आपके 5/3। ये भी आया हुआ एग्जाम में कई बार आपको, इसमें आपके xpx = हो गया है x³+1। इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है x+1 को और फाइंड करना है रिमाइंडर। अब तो दो तरीके हैं, तो डिवाइड कर दो या डिवाइड नहीं करना है, आपको रिमाइंडर पूछा है तो रिमाइंडर विधि क्या होगा, अब प्लस का है उसको भेज दो, क्या हो जाएगा माइनस का। इसमें क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ ये वैल्यू तो 2 - 1/3+1 क्या हो जाएगा, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। आप डिवाइड करोगे तो भी 0 ही आएगा। अगर आप ऐसे कर भी लो x+1 या रखेंगे x³+1 करेंगे तो भी वैल्यू 0 आएगा। कैसे देखो, इसमें फर्क क्या है, x² का फर्क, या रखेंगे x² मतलब क्या आ जाएगा x³, इसको से मतलब कितना आएगा आपके x² आएगा, साइन चेंज, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, अब क्या आएगा माइनस का x² + 1। इसमें क्या फर्क है, माइनस का और एक्स का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा माइनस x² - x साइन चेंज, प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, प्लस का एक्स और प्लस का वन, क्या फर्क दोनों में, कोई फर्क नहीं है, तो प्लस का वन मानेंगे मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 माइनस माइनस कर जाएंगे पूरा पूरा क्या आएगा 0। तो इससे तो केवल ऐसे करेंगे तो केवल रिमाइंडर आएगा, ऐसे करेंगे तो रिमाइंडर भी आएगा और क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन हमें रिमाइंडर ही पूछा है तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछा है तो याद करने की जरूरत नहीं, फिर ऐसे करना। फिर आपकी ये दे रखा है ट्रायंगल, ये दे रखा है ए बी और ये दे रखा है सी, ये है आपके एक्स, ये दे रखा है 47 डिग्री और ये दे रखा है आपके 135 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करना है एक्स का, ट्राइंगल के तीनों कोण जो है ना अंदर वाले कोणों का सम बाहर वाले इस तीसरे एंगल के बाहर बनने वाले एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, क्या लिखेंगे हम x + 47 = 135। या इधर का और भी है, 180 होता है इन दोनों का सम लीनियर पे, हम इससे पहले ये याद कर लेंगे, फिर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 में से दोनों माइनस कर देंगे तो भी याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस बड़ी हो जाएगी, ये सीधा हो रहा है सिंपल, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, कारण हो जाएगा आपके एक्सटीरियर एंगल। अब आपके प्लस का है उसको उधर भेज दो, हो जाएगा माइनस में 135 - 47 x = - करो कितना आएगा आपके 88 डिग्री आ जाएगा। फिर देखो आपके ये ऐसा दे रखा है जिसके अंदर आपकी ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, क्वेश्चन में आपके गिवन है, क्या गिवन है, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 = दे रखा है 350 और हमें जैसे ये दे रखा है ए बी सी डी और ये ओ है, हमें ज्ञात करना है एंगल बी ओ डी फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल नंबर 2 ज्ञात करना है। देखो यहाँ क्या लगाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे नंबर 4, यहाँ क्या लगा देंगे नंबर 4 लगा देंगे। अब एंगल 1 + 2 + 3 + 4 = कितना होता है 360 पूरा। अब इसने कहा 1, 2, 3 का वैल्यू कितना है 350, इन तीनों का जो वैल्यू है वो कितना है आपके 350 प्लस एंगल 4 = 360 प्लस का है माइनस में कर दो उधर, तो एंगल 4 का वैल्यू क्या आएगा आपके 360 - 350, तो x तो एंगल 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके 45 डिग्री। अब इसमें आपके हमें ज्ञात करना है एंगल 4 और एंगल BOD दोनों इक्वल है, बताओ कारण बताओ, ये और इक्वल क्या है,
वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल BOA। तो अगर इसका वैल्यू 45 है तो एंगल BOD का वैल्यू कितना होगा आपके 45 डिग्री। और अगर आपसे पूछ ले एंगल 1 का वैल्यू क्या है, एंगल 1+4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, इसको उधर भेज दो 135 आ जाएगा आपके। अगर पूछे तो, अगर 3 पूछे तो 3 और 4 ले लेंगे, 3 और 4 ले लेंगे, इधर से ले लो या इधर से ले लो, 1 ज्ञात, कोई भी दो एंगल ज्ञात है, 2 आराम से ज्ञात कर सकते हो। फिर है आपके x+3 × x+3, इसने कहा हमें आइडेंटिटी लगानी, आइडेंटिटी लगा हल करना है। देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्या हो जाएगा बताओ, x+3 का होल स्क्वायर, बताओ उसके लिए आइडेंटिटी क्या लगती है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b² ये लगेगा आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों सेम है। हाँ एक प्लस का ही मान होता था अलग आइडेंटिटी, लेकिन दोनों सेम है, दोनों एक प्लस का ही है, ये थोड़ा ध्यान देना है, ऐसे नहीं अलग अलग दिया हुआ ऐसे करना है। अब a कितना है आपके x² + 2 × x × 3 + 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके x² + 3 × 6x + 9 यस हो जाएगा। फिर एक और दे रखा है आपके x-3 और x+5, इसके लिए क्या आइडेंटिटी लगेगी, इसके लगेगी आइडेंटिटी x+a x+b x² + a+b x + ab, ये आइडेंटिटी लगेगी, प्लस वाली लगा दी भले माइनस का, तो x का वैल्यू x ही, a का वैल्यू क्या हो गया आपके -3, x का वैल्यू x और b का वैल्यू क्या हो गया आपके 5, तो जहां जहां x है वहां x ही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। a की जगह क्या लिखना है आपको -3, b की जगह क्या लिखना है आपको +5, x के स्थान पर x ही लिखना है, a का वैल्यू -3, b का वैल्यू 5, x²। अब 5 में से 3 माइनस करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा +2 x का x, तो यहाँ क्या होगा 5 × 3 = 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब अगला दे रखा है आपके, इसी का ये दे रखा है, वही एडिट लगानी है, हल करना है x² - y² / 100, तो यहाँ तो पूरी संख्या में स्क्वायर है, तो एक्स का स्क्वायर रहेगा आपके होल स्क्वायर, यहाँ इस पर है लेकिन इस पर स्क्वायर नहीं, इस पर भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा y/10, तब क्या हो जाएगा आपके होल स्क्वायर। अब नियम है कि दोनों आइडेंटिटी लगाई तो आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, a² - b² तो क्या हो जाएगा, एक बार लिखो प्लस में और एक बार लिखो माइनस में, तो x और y/10 दोनों को लिखना है, x और y/10, एक बार दोनों में क्या आएगा प्लस और एक बार दोनों में बीच में क्या आएगा माइनस आ जाएगा। यस, और दे रखा है 9x² + 6xy + y² फर्स्ट इनटू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे कितना आता है 9, ऐसे कौन सी क्या मल्टीप्लाई करने पर 9 और ऐड करने पर 6 आ रहा है, 3 × 3 = 9, दोनों सेम आ गए, सेम आते हैं कि वो वाला नियम लगेगा, फिर कौन सा नियम लगेगा आपके a² + 2ab वाला, जैसे कितने का एक आइडेंटिटी यूज करो तो उसमें आइडेंटिटी होगी नहीं, तो यहां कौन सी आइडेंटिटी होगी, मतलब पहले 9 का स्क्वायर निकालेंगे क्या आएगा 3 x का होल स्क्वायर, भाई क्या हो जाएगा आपके y का होल स्क्वायर, यहां आएगा प्लस यहां भी प्लस, अब 2 इनटू फर्स्ट टाइम किया इनटू क्या आ जाएगा आपके सेकंड टाइम, ये यहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी, जितने क्या टुकड़ों की मैंने बताया दोनों तो टुकड़े क्या थे सेम थे, तो सेम में 2 टाइम आएगा यहाँ पे बीच में, नियम क्या है a² + 2ab + b² = a + b का होल स्क्वायर, हमारे पास ये दे रखा है, उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा a + b, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू सामने लिखा है 3x और b का वैल्यू कितना है y, तो यहाँ a का 3x है, b का वैल्यू y है, y हो गया, इसको क्या करेंगे हम होल स्क्वायर, यस आइडेंटिटी यूज करेंगे। और थर्ड दे रखा है आपके वही 7, कितना दे रखा है आपके 49a² + 70ab + 25b², जब भी आइडेंटिटी करने का है इसका मतलब आपके पसंद ऐसे ही, यहाँ कैसे होगा, देखो 49 क्या, तो 49x करो 49 का 7 7
25 का फाइव, बी का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, टू को मल्टीप्लाई करेंगे इससे पहले तो सेवन ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे फाइव बी से, देखो ये दोनों मिलने चाहिए, टू सेवन का फोर्टीन, फाइव का सेवनटीन, ए और बी दोनों आ गए। अब नियम है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। अब बताओ इसमें ए क्या है, ए तो हो गया है सेवन ए और बी क्या हो गया है फाइव बी का होल स्क्वायर। वैसे तीन आते हैं, तीन में से कोई आपको दो करने होते हैं वहां पर एग्जाम में, तो तीन दिए आएंगे ऑप्शन, आपको तीन में से कोई दो करने है। अब ए दे रखा है आपके पैरेललोग्राम, ये दे रखा है पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा ए बी सी और ये हो गया आपके डी। इसने कहा है डीसी और एडी पर क्या है पॉइंट दे रखे, डीसी पर है और एडी पर दो पॉइंट दे रखे हैं, ए का नाम तो है आपके पी और ए का नाम है आपके क्यू, ये दोनों पॉइंट है पी और क्यू। हमें प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों बराबर है या नहीं, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे ध्यान दो, क्वेश्चन में गिवन, गिवन क्या है बताओ, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और हमें करना है प्रूफ, क्या प्रूफ करना है जो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू है एरिया ऑफ बी क्यू सी, ये वाला ट्राइंगल हम रख रहे वही पहले करेंगे, पहले लेंगे ये ट्राइंगल और पूरा पैरेललोग्राम, वो बॉयलर ए टू, बॉयलर फर्स्ट है टू है सेकंड, लगो नाउ एक तो लेंगे हम एरिया ऑफ ए पी बी एंड क्या लेंगे हम पैरेललोग्राम ले लेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया ले लो ए बी सी डी, देखो दोनों में क्या नाम सेम आ रहा है ए बी बी, ये नाम ऐसा है जो इस पैरेललोग्राम के अंदर भी आ रहा है और इस पैरेलल लाइन के अंदर ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ए बी तो क्या हो गया आपके सेम बेस, सेम बेस और लाइन भी क्या है पैरेलल, ए बी पैरेलल क्या है आपके डी सी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम, एबीसीडी जे पैरेललोग्राम, तो देखो ए की बेस और पैरेलल लाइन में बना हुआ ट्राइंगल पैरेललोग्राम क्या होता है हाफ होता है, तो एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब कारण क्या लिखोगे, या तो लिखो पोलर लाइन टू या क्या लिए वो मैं लाइन बोल दो ए की, यानी के सेम बेस एंड सेम हाइट, यानी कि ट्राइंगल जो होता है वो पैरेलल का हाफ होता है, कोई लाइन तो लिखी भी पॉलर टू या तो वो लिखो या सिंपल तो पॉलर टू। अब यहाँ लिखेंगे सिमिलर, ये वाला ट्राइंगल है इसमें देखो ये रहा ये बेस इसका भी है और ये बेस इस पैरेललोग्राम का भी, तो ये वाला जो ट्राइंगल का नाम है एरिया ऑफ बी क्यू सी, ये भी क्या होगा हाफ होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी का, ये तो हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों बराबर, ये दोनों क्या होंगे आपके बराबर, एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल होगा एरिया ऑफ बी क्यू सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। अब ये है आपके ट्राइंगल दे रखा है ये मीडियन है ये वाला और ये पॉइंट कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ना हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल है या नहीं, क्या करेंगे देखो पहले लेंगे पूरा ट्राइंगल। अब ये एडी क्या है बताओ, एडी है ट्राइंगल ए बी सी की क्या है मीडियन, क्या लिखेंगे हम मीडियन, मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी और सी, इसका मतलब क्या हुआ ट्राइंगल की मीडियन ट्राइंगल दो भागों में बांटती बाइसेक्ट करती है दो भागों में, या लगाओ थ्योरम लगा दो सेम बेस मीडियन है भुजा को भाग बांटेंगे इक्वल बेस और दोनों की हाइट ए तक है, इसकी हाइट भी ए तक है इसकी हाइट भी ए तक है, सेम बेस सेम हाइट तो एरिया क्या हो जाएगा आपके इक्वल, तो आपके हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी डी। अब कारण क्या लिखेंगे, कारण लिख सकते हो याद रखो थ्योरम नंबर कौन सा 10.2, क्या लिखेंगे या लिख सकते हो कि कुल लाइन तो
ट्रायंगल की मीडियंस ट्रायंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया जिसके बाद फिर अलावा फिर कहेंगे सिमिलरली यहाँ तो ये मीडियन इसकी है तो मीडियन इसी की भी कहलाएगी क्योंकि ट्रायंगल ये भी है तो मीडियन इसकी भी कहलाएगी तो सेम सिमिलरली क्या करेंगे हम एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सी डी ई वही थ्योरम है 10.2 अब हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ए बी डी में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बी डी ई एरिया ऑफ ए सी डी में से माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ सी डी ई अब इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग बचेगा इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो पीछे बचेगा आपके ये वाला तो ये हो जाएगा आपके एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल टू होगा आपके एरिया ऑफ ए सी डी हो जाएगा इस पूरे में से ये घटा देंगे इस पूरे में ये माइनस कर देंगे ये वाला बच जाएगा सिंपल अब है आपके ये क्वेश्चन बहुत बाकी तो फर्स्ट भाग में रहेगा एक्स कितना दे रखा है 6x² - 5x - यहाँ फैक्टराइज दे रखा है फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसमें फैक्टराइज करना सिंपल ऐसे कौन संख्या है जो क्या करेंगे फर्स्ट इंटू थर्ड 6 × 6 कितना होता है आपके माइनस का 36 अब क्या करेंगे ये संख्या यहां तक इधर लिख लो और यहां तक इधर लिख लो बीच में क्या रहेगा 5x अब यहां क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए और यहां माइनस है माइनस करने पर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए कौन सा बताओ 9 4 जा कितनी संख्या है आपके 9 4 जा ये संख्या है और यहां वाला जो साइन है यहां लिखा सीधे गंदा साइन में नहीं पढ़ना है आपको सीधे ऐसे करना है ये वाले कुर्ते इधर ये वाला इधर और बीच में रखेंगे मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए और माइनस करने पर 5 आना चाहिए 5 आ रहा है माइनस करने पर 9 में से आगे 5 आ रहा है और ये वाला साइन यहाँ लगा देंगे अब पोस्ट खोलो या माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या बताएंगे चेंज हो जाएंगे माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 6 अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन है x कॉमन तो क्या डिवाइड करो 2 टाइम x माइनस माइनस ये थ्री यहाँ क्या कॉमन आ रहा है टू कॉमन आ रहा है एक्स का एक्स प्लस माइनस माइनस कितना जाएगा 3 टाइम जाएगा ये इसमें 2 टाइम गया डिवाइड 2 से 4 2 टाइम अगर थोड़े सही किए हैं तो ये दोनों बिल्कुल सेम आएंगे और 2x माइनस 3 क्या आ गया कॉमन पीछे क्या बचा ये दोनों बचे 3x प्लस 2 बचा ये फैक्टराइज है और वो आइडेंटिटी वाला लगाया तो फिर आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा